संत रविदास मंदिर कब तोड़ दिया गया, उसका पॉलिटिकल रीजन बैक में क्या है, संत रविदास मंदिर जो वो मिशन चला रहा था वो कैसा मिशन है, अभी उसको इतना मतलब 2019 में अभी हम अक्टूबर तक आया था, इसको अगस्त में क्यों तोड़ दिया गया है, उसका पहला रीज़न क्या है, और उसको पहले एक महीने पहले 370 आर्टिकल को हटा के वो लोगों ने कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पालन का लागू करने के लिए मतलब रीज़न क्या है, ये थोड़ा आपको पूरा ये सब्जेक्ट मालूम होने तो आपका ये पॉलिटिक्स थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जितना मजलूम मतलब अप्रेस्ड कम्युनिटीज लोग है, अप्रेस्ड कम्युनिटीज बोले तो एससी एसटी लोग और मुस्लिम लोग और बैकवर्ड कम्युनिटीज लोग है, पहले कश्मीर में उसने उसका मुद्दा शुरू कर दिया, कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया, मतलब वहाँ मुस्लिम लोगों का बहुत दबा रहा था, ह्यूमन राइट्स वहाँ अत्याचार और हत्याकांड, बच्चों के ऊपर पिलेट मतलब बुलेट जैसा आंख में बॉडी में कितना घुसा रहा था पुलिसों ने, कितना मतलब हमारा जैसा ये माँ जैसा लोगों को कितने ऊपर अत्याचार हो रहा था, मतलब उसके ऊपर कितना पीड़न हो रहा था वो बाहर दुनिया को नहीं दिख रहा था, वो एक है इसका पीछे कारण मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद है दिल्ली, पूरा इंडिया का सेंटर पॉइंट है दिल्ली है, दिल्ली में अभी इसको मंदिर को तोड़ दिया गया, और इसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहा था और हरियाणा में भी इलेक्शंस हो रहा था, पूरा मीडिया उसके अंदर घुसा हुआ और इसके बाद इसमें आ गया था। ये मेरे को समझ में कैसे आ गया, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, 2016 में रोहित वेमुला का हत्याकांड हुआ, कितना लोगों का मालूम है, हम अच्छे तरफ से यूनिवर्सिटी में मूवमेंट चलाने तो बहुत साल से जेएनयू में भी मूवमेंट चला रहा था, कम्युनिस्ट वालों ने पीछे लगा के कन्हैया कुमार का इश्यू लेके आके वहाँ मूवमेंट को फिर यहाँ उठाया, वहाँ मूवमेंट को दबाया, बाद में दलित कम्युनिटी पीछे पड़ गया, कम्युनिस्ट वाला लीडर बन गया, ऐसा भी मुस्लिम के ऊपर वहाँ हत्याकांड हो रहा था, यहाँ भी दलितों का हत्याकांड हो रहा था, दोनों को दलित मुस्लिम बोल के बांट रहा था, बीच में ईवीएम लेके आके वोट महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीतेगा, हरियाणा में भी बीजेपी जीतेगा, इलेक्शंस अभी 21 को होते पहले मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को कैसे पता, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ज्योतिष नहीं हूँ, मेरे को आने वाला दिन में क्या हो रहा था कैसे पता चल गया। इसके बाद रिजल्ट 24 के बाद आएगा तभी भी देख सकता है। इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, गुजरात में पूरा बीजेपी जीत गया, काली जिग्नेश मेवानी को ही एक जिताया, समझ रहा था मेरी बात आप थोड़ा, हाँ वो कुछ बोले तो मैं समझ सकता, हाँ क्योंकि हाँ क्यों बोल रहा हूँ, मतलब वहाँ ईवीएम का वहाँ भी लफड़ा चल गया, वहाँ हमारा लोग फिर दलितों सभी हार गया था, एक दलितों को जिताने तो हम लोग सभी लोग खुशी हो जाते, अभी भी ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ मंदिर के ऊपर हम हैं, मुस्लिम लोग कश्मीर में वो लोग हैं, अभी वहाँ यहाँ इलेक्शन चल रहा था, दोनों खत्म होने के बाद बोलेगा अभी आप लोग ही बोल रहा था 100 मीटर जमीन दूंगा बोल के, 100 मीटर जमीन देने के लिए वो जमीन उसका बाप है नहीं तो उसकी बाप का है, वो हमारा बाप का हमारा बुड्ढो लोगों का है, हमारा है वो, हमारा लैंड वो हमको देने वाला कौन है। इसके मैं और आपको एक बता दूंगा, बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 17 में अच्छे तरफ से लिख दिया, उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश में 1983 में एक कारण चेड़ू बोल के एक इशू हुआ, वहाँ जो अपर कास्ट का लोग है हमारे ऊपर, हम एससी शेड्यूल कास्ट में आते हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया, अभी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में लागू जो है हक उसको यूज करने के लिए हमको आईपीसी का भी जरूरत है, मतलब कानून का जरूरत है, उसी वजह से एससी एसटी एट्रोसिटी पीओ एक्ट बोल के एक एक्ट है। अभी इस मंदिर को कौन तोड़ाया पता करना है, वो कोर्ट से जज भी दे दिया था, वो जज के ऊपर एससी एसटी एट्रोसिटी केस लगाना है, और एनएमडीसी का जो कमिश्नर है जो कौन दे दिया वो कागज, गवर्नमेंट के साइन करके वो मूर्ति को तोड़ दो
वो टेम्पल को तोड़ दो बोल के कागज एक को मिला है आपको, पुलिस के पास होगा, आपके पास होगा, आपके पास भी नोटिस मिले होगा, वो दोनों लेके उसके ऊपर कौन साइन कर दिया बोल के उसको भी देखना। ये सभी लोगों को नाम लगा के, एड्रेस लगा के, जहां आपका थाना आएगा वहां जाके पहले केस लागू करना पड़ेगा। आईपीसी एससी एसटी एक्ट है, ये स्पेशल एक्ट होगा, इसको हम अत्याचार होने के बाद नहीं, पहले से भी हम इसको यूज कर सकता है। कैसे भी ये हो गया, पहले जज के ऊपर केस लागू करना पड़ेगा, जज भी जो कुछ भी हो, क्योंकि जजों के अंदर भी कास्ट का फीलिंग है, पूरा जज लोग ब्राह्मण कम्युनिटी का है, वो लोग से ही हमको बहुत दबा रहा था, हमारा कम्युनिटी से हमारा बच्चा लोग, मतलब चमार या महार जो कुछ भी ट्राइबल लोग, वो लोग को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर हमारा लोग नहीं है, हमको दर्द है, उसी तरफ से हम अच्छे डिसीजन ले सकता है। ब्राह्मण को हमारा दर्द कैसे पता चलेगा? हाँ, एक मिनट में खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण लोगों से एससी एसटी अट्रॉसिटी एक्ट को मिटाने के लिए पहले वो लोग नोटिस दे दिया, बाद में एससी एसटी एक्ट को हम नहीं मिटाते, अभी उसको ऐसे ही कर देंगे बोल के फिर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कौन दे दिया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ब्राह्मण लोग है वो लोग ही दे दिया। अभी इसको जो ब्राह्मण लोग है वो जो जजमेंट दे दिया वो लोग का, उसके ऊपर भी हम एससी एसटी एक्ट का अप्लाई करेंगे, पुलिसों के ऊपर और गवर्नमेंट के अंदर जितना लोग आया हमारा मंदिर को तोड़ने के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, जितना लोग आया था उसके ऊपर भी हम एससी एसटी एक्ट को लागू करेंगे, ये हमारा हक है। वो दान देने के लिए उसका बाप का नहीं है, हमारा बाप का है, हमारा हक है, हमारा हक को हम भीख मांग के नहीं ले सकते, उसको डिमांड करके लेंगे। मेरे को इतना टाइम दे दिया, थैंक यू। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।